एमपीपीएससी 2017 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और इसने मौका दिया है इन नतीजों ने जबलपुर को अपनी छाती चौड़ी करने का, क्योंकि जबलपुर की बेटी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और नाम है संपदा सराफ। इस वक्त मैं संपदा के साथ हूं और उनके साथ मेरे साथ संपदा और उनका पूरा परिवार मौजूद है। पिता हैं, माता हैं, उनके भाई हैं, उनके टीचर हैं और संपदा सबसे पहले हैं। आज का दिन संपदा बेहद खास है आपके लिए, क्या रिएक्शन रहा आपका जैसे आपको पता चला कि आपने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मुझे ये न्यूज़ सर ने कॉल करके मम्मी को दी थी और मम्मी ने मुझे बताया और मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ कि, क्योंकि टॉपर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। अच्छे गए थे पेपर, परंतु मुझे नहीं ये उम्मीद थी कि फर्स्ट आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और ख़ासकर मम्मी और पापा की जो खुशी देख के मेरी खुशी डबल हो गई। आपकी उम्र महज 22 साल की है, इतने कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया है, 1000 मार्क्स आपको मिले हैं, कैसे तैयारी हो रही थी इतनी, कैसे आपने प्रिपेयर किया था? सर मैंने अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी तैयारी और फाइनल ईयर पास होते ही 2016 का अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं डीएसपी के पोजीशन पे सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद दोबारा मैंने रैंक इम्प्रूव करने के लिए ये 2017 का अटेम्प्ट दिया था। क्या मैसेज आप उन बच्चों को देना चाहेंगे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी पोजीशन हासिल करना जिनके लिए ख्वाब है एक? मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप सिविल सर्विसेज को अपना एम बनाते हैं तो फिर आप उसमें सारी चीज़ें छोड़ के एक बार उसका मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्सेस चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक बार पूरे फोकस तरीके से लग जाएं। अपनी ज़िंदगी का आप 1 साल 10 महीना कुछ डेडिकेट होकर डाल दें तो फिर आपका मतलब मुझे लगता है सफलता निश्चित रहती है। ये डेडिकेशन, ये मेहनत तो आपका ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये मुकाम आपने हासिल किया, और किसको श्रेय देना चाहेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? सर सबसे ज़्यादा तो मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ ये श्रेय, मेरी फैमिली को, उसके बाद मेरे गुरुजनों को जिसमें कि सिद्धार्थ गौतम सर इंक्लूडेड हैं और अनिल गौतम सर इंक्लूडेड हैं। तो मेरे जितने भी गुरुजन जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिनके कारण मैं आज ये मुकाम पा सकी हूँ, मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स सभी को मैं श्रेय देती हूँ।